মাদক মামলায় প্রত্যক্ষদর্শীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য। মুম্বাইয়ে ক্রুজে মাদক মামলা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকরের মৃত্যু ঘিরে রহস্য। প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকরের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করবেন মহারাষ্ট্রের ডিজিপি। আরিয়ান মাদক মামলায় প্রত্যক্ষদর্শীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য। মুম্বাই ক্রুজে মাদক মামলা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকর, তার মৃত্যু ঘিরে রহস্য। এই প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকরের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করবেন মহারাষ্ট্রের ডিজিপি। কি করে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো? প্রভাকরের আচমকা মৃত্যুতে অনেকেই সন্দিহান। তদন্ত হবে, ডিজিপি ঘটনা তদন্ত করবেন এমনই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 3রা অক্টোবর মুম্বাই ক্রুজে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান। 28 দিন পর জামিনও পান শাহরুখ পুত্র এবং সেই মামলায় প্রত্যক্ষদর্শীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য। সুরজ ওঝা আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সুরজ জি, কেসে হুই হ্যায় মাত, পুলিশ কে তরফ সে আবি তক ক্যা জানকারি মিল রহি হ্যায়? जी आपको बता दें कि प्रभाकर सहेल की जो मौत हुई है, इनिशियली जो जांच है उसमें ये पता चल रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और ये नेचुरल है। इसमें फिलहाल तो कोई फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये कहा कि इस बात की जो ये पूरा इंसिडेंट है, उनकी मौत कैसे हुई, अगर नेचुरल है तो नेचुरल का पता चले, अगर कुछ फाउल प्ले है तो उसका पता लगाया जाएगा। और महाराष्ट्र के डीजी को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने हिसाब से टीम फॉर्म करे और वो टीम इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर उनकी जो मौत हुई है उसका कारण क्या हो सकता है। प्रभाकर सहेल कल करीब 3 बजे के आसपास चेंबूर, जो मुंबई का एक इलाका है, वहां के एक क्लिनिक पर गए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है, जिसके बाद उस क्लिनिक वाले डॉक्टर ने कहा कि आप अस्पताल जाइए, ईसीजी कराइए। जब वो अस्पताल गए, उन्होंने ईसीजी कराया, तो ईसीजी में जो रिपोर्ट नॉर्मल लोगों की आती है वैसी नहीं थी, बल्कि उनकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा तेज चल रही थी, जिसके बाद अस्पताल ने उन्हें वहां भर्ती कर लिया और आधे घंटे के भीतर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस बात की जानकारी दी गई। अब आपको बता दें कि लोकल जो पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस के अधिकारियों ने अस्पताल के लोगों को बुलाया था। जो प्रभाकर सहेल की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसकी जांच की जा रही है, उसे देखा जा रहा है, डॉक्टरों से समझा जा रहा है कि आखिर प्रभाकर सहेल को क्या हुआ था, उन्हें क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया गया था, उन्हें बचाने की कैसे कोशिश की गई थी और आखिर उनकी जो मौत हुई होगी उसका कारण क्या हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि कोई फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 100% श्योरिटी लेने के लिए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। সুরজ জি মনে রাখিয়া আপনাদের আরো একবার জানি রাখি, মুম্বাই ক্রুজে মাদক মামলা প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকরের মৃত্যু ঘিরে রহস্য। প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাকরের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করবেন মহারাষ্ট্রের ডিজিপি। প্রশ্ন তুলছে যে কি করে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো? প্রভাকরের আচমকা মৃত্যুতে অনেকেই সন্দিহান এবং এর তদন্ত হবে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি নিজেও জানিয়েছেন যে ডিজিপি ঘটনা তদন্ত করবেন, গোটা ঘটনা তদন্ত করবেন ডিজিপি এবং খতিয়ে দেখা হবে কি করে এরকম হাই প্রোফাইল মামলার প্রত্যক্ষদর্শীর আচমকা মৃত্যু হলো। সুরজ ওঝা আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সুরজ জি, ফির সে জানা চাহেঙ্গে অভি তক ক্যা জানকারি মিল রহি হ্যায়, ইনভেস্টিগেশন ক্যা শুরু হুই হ্যায়? जी, लोकल पुलिस ने अपने लेवल पर जो इनिशियल इंक्वायरी होता है उसे इनिशिएट कर दिया है। लोकल पुलिस जो आरसीएफ पुलिस है, जहां पर जो अस्पताल जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है, उस पुलिस ने जो अस्पताल के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको बुलाया था। वो भी प्रभाकर सहेल की जो रिपोर्ट है उसके साथ बुलाई थी कि जब वो आए उस वक्त क्या नजर आया, आपने क्या कुछ ट्रीटमेंट किया। साथ ही अब पुलिस उसका भी पता लगा रही है कि जो उनके साथ एक लड़की आई थी प्रियंका नाम की, क्योंकि प्रियंका जो लड़की है इसके बारे में प्रभाकर सहेल की पत्नी या उनकी घर वालों को नहीं पता है, तो पुलिस जानना चाहेगी कि वो प्रियंका कौन है। अगर वो शुरुआत से इनके साथ रहती है तो जाहिर सी बात है उसे कुछ पता होगा कि आखिर ये दर्द या तकलीफ जो भी है वो कब से होगी। फिलहाल तो डॉक्टर का जो इनिशियली जो मानना है, जो प्राथमिक दृष्टि जिसको हम कहते हैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर की है, इसमें किसी भी तरह का फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बातें तब साफ होंगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी।